नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका मेरे YouTube चैनल होम फॉर इंडिया में। आज मैं आया हूँ फिर से रोहिणी के सेक्टर 28 की A3 पॉकेट में, जिसका दूसरा नाम यूनिटी एनक्लेव है। और यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 32 मीटर जोड़े का ब्रांड न्यू बिल्डर फ्लोर, जो कि कॉर्नर का फ्लोर है, जो बनता है कुछ 100 गज के आसपास का, जिसमें बिल्डर ने बनाया हुआ है 3 BHK विथ लिफ्ट एंड पार्किंग। इस बिल्डिंग में हमारे पास फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर की यूनिट अवेलेबल है। फर्स्ट फ्लोर का बिल्डर का आस्किंग प्राइस है 90 लाख रुपए, वहीं सेकंड फ्लोर का आस्किंग प्राइस है 88 लाख रुपए, जो कि थोड़ा सा नेगोशिएबल है। और क्योंकि ये DDA के फ्री होल्ड प्लॉट के ऊपर बना हुआ है, तो यहाँ पे आपको बैंक लोन भी मिल जाएगा। मतलब आपको किसी गवर्नमेंट बैंक से या प्राइवेट बैंक से लोन लेना है तो आपको वो बहुत ईजिली मिल जाता है। प्लस इस सोसाइटी में हमारे पास है टाटा पावर का बिजली का कनेक्शन, IGL का गैस पाइपलाइन का कनेक्शन और दिल्ली जल बोर्ड का वाटर पाइपलाइन का कनेक्शन। दिल्ली जल बोर्ड का 24 आवर्स की सप्लाई है यहाँ पे, जो कि मैंने यहाँ पे जो रेजिडेंट्स हैं उनसे पूछा था, उन्होंने मेरे को ये फीडबैक दिया है कि दिल्ली जल बोर्ड का यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास हर बिल्डिंग के अंदर समर सिविल का कनेक्शन की ऑप्शन भी अवेलेबल होती है। ये जो सोसाइटी है ये एक गेटेड सोसाइटी है, जो कि RWSA कंट्रोल्ड है। यहाँ पे आपको ग्रोसरी स्टोर्स मिल जाएंगे छोटे छोटे, प्लस आपको यहाँ पे मंदिर भी मिल जाता है। और यहाँ की जो सोसाइटी की जो रोड्स है ना, काफ़ी अच्छी चौड़ी रोड है, 12-12 मीटर की रोड है, प्लस काफ़ी क्लीन और काफ़ी नीट सोसाइटी है। अगर मैं बात करूँ यहाँ के कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है समयपुर बादली, जो यहाँ से एग्जैक्टली 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अगर आपको कोई ई रिक्शा या ऑटो लेना है, तो आपको हमारी सोसाइटी के बाहर से ही ई रिक्शा और ऑटोज आपको मिल जाते हैं आपको कम्यूट करने के लिए। ओवरऑल ये बहुत अच्छी सोसाइटी है, काफ़ी साउंड सोसाइटी है। तो अगर आपको यहाँ पे फ्लोर परचेज करना है, तो इधर ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, इस नंबर पे कॉल करके मेरे से बात कीजिए और यहाँ पे आके अपने लिए फ्लोर बुक कीजिए। अब चलते हैं अपने फ्लोर के अंदर, आइए चलिए मेरे साथ। तो ये आ गए हमारे फ्लोर पे, 32 मीटर चौड़े का कॉर्नर का फ्लोर है, लेट्स एंटर। तो एंटर करके दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ आवर फ्लोर। तो सबसे पहले मैं आपको इसका लेआउट बता देता हूँ। अभी जो मैं खड़ा हूँ, ये इसका ड्राइंग रूम है, और इधर हमारा फर्स्ट बेडरूम है, जो मास्टर बेडरूम है, अटैच वॉशरूम है इसमें, ये कॉमन वॉशरूम है, इधर सेकंड बेडरूम, इधर इस साइड किचन, और इस साइड हमारे पास है हमारा थर्ड बेडरूम। और आप देख लीजिए कितनी अच्छी सनलाइट आ रही है, कॉर्नर है एल शेप का, यहाँ से हमने एंटर किया था, सामने वॉलपेपर लगा हुआ है, इधर LCD पैनल बनाया हुआ है। और अब चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम में, जो मास्टर बेडरूम है। दिस इज़ द साइज ऑफ द मास्टर बेडरूम, यहाँ पे भी हमें विंडो मिल जाती है, साइड में पार्क है, और इस साइड है इसका अटैच वॉशरूम, जो अच्छा बड़े साइज़ का वॉशरूम है, बहुत एलिगेंट वॉशरूम बनाया हुआ है। और इधर हमारे पास अलमीरा मिल जाती है। वापस अंदर चलते हैं, यहाँ से हमने एंटर किया था, और इसके जस्ट साथ में हमारे पास यहाँ पे कॉमन वॉशरूम, ये कॉमन वॉशरूम है, और इसके साथ में है सेकंड बेडरूम, ये इसका सेकंड बेडरूम है। इस बेडरूम के साथ में अटैच बालकनी है, ये देखिए बालकनी से कितना अच्छा व्यू है। ये पार्क है सामने, आगे 12 मीटर की रोड लगती है, इधर भी पार्क है, वो मेन रोड है, और वो बिल्कुल हमारी सेक्टर 28 की मेन रोड है। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है, ये इसकी बालकनी है, बालकनी में यहाँ पे वॉशिंग एरिया है। तो वापस अंदर चलते हैं, इससे हम निकलेंगे तो ये हमारी किचन आ जाती है, देखिए वाइट और ब्लैक कलर का कितना अच्छा टोन दिया है किचन के अंदर। यहाँ पे रेफ्रिजरेटर रखने के लिए स्पेस है पूरा, ऊपर तक यहाँ पे हमारे पास सिंक है, ऊपर टॉप है, इधर वेंटिलेशन के लिए विंडो है, ऊपर चिमनी के लिए स्पेस है। और इधर चलेंगे तो ये हमारा थर्ड बेडरूम हो गया, और थर्ड बेडरूम में ये बैक साइड हो गई, इसमें लाइट्स ऑन नहीं है, और इसकी ये अलमीरा हो गई। तो ये है हमारा 32 मीटर जोड़े का कॉर्नर का ब्रांड न्यू बिल्डर फ्लोर सेक्टर 28 के अंदर। अगर आपको ये फ्लोर परचेज करना है, तो ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं, यहाँ पे आके अपने लिए फ्लोर बुक कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।